अब अनुलोम विलोम करेंगे। निरंतरता पूर्वक, थायराइड का रोग बहुत हो रहा है, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे लिए मैं डिजीज बहुत हो रही है, तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम लय के साथ करें, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, लंबा लेना, लंबा छोड़ना, जिनको सर्दी लग रही हो थोड़ा जोर से कर लेना है, तो सर्दी भी भाग जाए। मध्यम गति से तो सभी को करना चाहिए, युवक युवतियों को, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और कोई विशेष दुर्बलता है देह में, तो सामान्य गति से करना चाहिए, करना सबको है, निरंतरता पूर्वक करें, अनुलोम विलोम लगातार करना है, किसी को भी रुकना नहीं है, छोटे बच्चों को भी, बड़ों को भी। लय के साथ अनुलोम विलोम करते हुए अंतर्मुखी हो जाना, स्थित प्रज्ञ हो जाना, बाहर का तो सारी दुनिया देखती है, इसको भौतिक दृष्टि कहते हैं, इसको स्थूल दृष्टि कहते हैं, आंतरिक रूप से इतने हम समर्थ बने, हम अंतर्मुखी हो सके, स्थित प्रज्ञ हो सके, अनुलोम विलोम लय के साथ करना, निरंतरता के साथ करना।